नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। देखिए, लक्ष्मीकांत 6 एडिशन का पार्ट 7 है। यहां पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, किन किन मायनों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया है। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं दोस्तों, वीडियो को लाइक मार दीजिए और अपने सामने इस लक्ष्मीकांत 6 एडिशन को खोल के रखिए। मैं यहाँ पे आपको चीजों को समझा रहा हूँ, टेक्स्ट आपके सामने लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली मैं टेक्स्ट को यहाँ पे सामने आपके नहीं ला सकता, वो विल बी अ ब्लैटेंट कॉपीराइट वायोलेशन। तो टेक्स्ट आप अपने सामने रखिए, चीज को एक बार पढ़िए, जो भी चीज उसमें नहीं समझ में आ रही है आप मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद सब अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स चल रही थी, तो भाई बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बाकी मेंबर्स मिलकर उन्होंने एक संविधान बनाया, और उस संविधान के जब अलग अलग प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इनकी रीडिंग की गई, तो भाई अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी। तो पहला जो क्रिटिसिज्म निकल के आया इंपॉर्टेंट, वो था कि भैया दिस इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। सब लोगों ने बोला ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन है। कहने का मतलब है दोस्तों कि दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से चीजों को मिला के यहां पे डाल दिया गया है। लेकिन जब इस चीज का जवाब दिया हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी ने, तो जवाब कुछ इस तरीके का था। उन्होंने बोला कि भाई इस समय पे जब हमारा देश आजाद हुआ है 1947 में, दुनिया भर में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा चुके हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि भाई कौन से वो ब्रॉड नियम और कानून है जिसके हिसाब से उस देश का कानून चलेगा। और भाई देश का कानून किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में सिविलाइज्ड नेशन के हिसाब से चलेगा। तो सिविलाइज्ड नेशन से रहने के लिए जो रूल्स हैं, जो गवर्नेंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स है, वही सब लिखी जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए जो रूल्स और नॉर्म्स लिखे जाएंगे, उनको कितना आप यूनिक करोगे, कितना अलग करोगे। आप देखोगे दोस्तों, दुनिया भर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए, ब्रिटेन का उठा लीजिए, यूएस का उठा लीजिए, यूरोप की किसी और कंट्री का उठा लीजिए, जो उनके मूल सिद्धांत है वो सेम है। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि भाई हम कहां से इतना इनोवेशन लेके आए। ओके, तो ये चीज बोली आपकी किसने, बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर बी आर अम्बेडकर जी ने यह भी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन की मूल, आप कह सकते हैं प्रोविजंस को, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल प्रोविजंस को हमने भले ही उठाया है, लेकिन हमने उन प्रोविजंस को इंडिया की सोसाइटल वैल्यूज के हिसाब से, इंडिया की सोशल कंडीशंस के हिसाब से, इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से ढाल दिया है। तो ये बोल देना कि भाई ब्लैटेंट कॉपिंग हुई है, बैग ऑफ बोरिंग, यानी सीधा उठाया और सीधा चेप दिया, ये गलत है। ये साफ साफ बोला दोस्तों बी आर अम्बेडकर जी ने। और बी आर अम्बेडकर जी ने यह भी बोला है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस की ब्लाइंड कॉपी को उठा के आपके सामने रख रहे हैं, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से पढ़ा ही नहीं है, उसकी रीडिंग ही ठीक से उन्होंने नहीं करी है। दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट है भैया, लोगों ने कहा दिस इज अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। तो भाई क्रिटिक्स ने यह बोला कि हमारे संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बहुत से प्रोविजंस लिए हैं। लगभग मैंने पहले ही बताया था, लगभग 250 प्रोविजंस को सेम टू सेम ऑलमोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया है कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। कुछ लोगों ने इसको अमेंडेड वर्सन ऑफ द 1935 एक्ट भी बोला। एक पर्सन थे एन श्रीनिवासन जी, तो ये एन श्रीनिवासन जी ने बोला कि बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। आइवर जेनिंग्स, ये सर आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी बोला कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत कुछ चीजों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव करता है, और बहुत तरीकों से टेक्सटुअली सेम भी है। पी आर देशमुख थे, पी आर देशमुख जी ने भी अपने थॉट प्रोसेस दिया। पी आर देशमुख जी ने बोला, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है, बस एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ दी गई है, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बोला इन्होंने, और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ चीजें बोली। तो इसके जवाब में बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा, बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत ही स्मार्ट और पढ़ा लिखा जवाब दिया। बी आर अम्बेडकर जी ने देखिए, बी आर अम्बेडकर एक ऐसी पोजिशन पे खड़े थे उस समय पे कि बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने तो संविधान को बनाया नहीं,
वो संविधान बनाने बैठते तो क्या करते क्या नहीं करते पता नहीं, बट ऑब्वियसली बात है एक डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो होती है क्रिटिसिज्म। अगर आपको बोलने का हक है सोसाइटी में तो आप एक डेमोक्रेसी में रहो, चाइना में चले जाइए कुछ बोल के दिखा दीजिए जी जिनपिंग के अगेंस्ट को अगले दिन गायब हो जाओगे। तो यहां पे बीआर अंबेडकर जी ने क्या बोला कि भाई देखिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाई गई है, मैं इस बात को मानता हूं और इस बात के लिए मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी प्लेगरिज्म कॉपी डुप्लीकेशन का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी संविधान के जो मूल तत्व होते हैं, किसी भी संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनके पेटेंट राइट्स किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम। अब फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम मान लीजिए आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम है और मान लीजिए किसी और कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम को उठा दिया, मान लीजिए इंडिया ने उठा लिया, तो फ्रेंच वाले ये ना बोल सकते हैं कि भैया ये फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम हमारा पेटेंट है, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो वैल्यू ऑफ गवर्नेंस है, जो वैल्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो पूरी दुनिया में सेम रहेगी, इस पे किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। तो अगर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की इंपॉर्टेंट चीजों को उठा के इनकॉर्पोरेट किया है तो क्या गलत है इसमें, ये बोला बी आर अम्बेडकर जी ने। फिर बी आर अम्बेडकर जी ने एक चीज के लिए माफी मांगी, उन्होंने बोला कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की करने का तरीका, ये चीजें एज इट इज उठाई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो इसके लिए हम सॉरी हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को कुछ बहुत यूनिक नहीं बना पाए हैं, और एक्चुअली उसको यूनिक ना बनाने की एक वजह भी थी। देखिए हमारा देश उस समय पर गरीब था, एक पुराना सिस्टम चला आ रहा था, उस सिस्टम में सुधार की जरूरत थी, लेकिन हमारे देश को सिस्टम की आदत पड़ गई थी। एकदम से आप सिस्टम बदल दोगे तो भाई गरीब पॉपुलेशन है, अनपढ़ पॉपुलेशन है, पहले जो हो रहा था उसके बारे में उनको थोड़ी बहुत जानकारी थी, तो कलेक्टर था भाई तो कलेक्टर के ऑफिस में ये होता उनको पता था। अभी एकदम से आप अथॉरिटी बदल दोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका बदल दोगे, सब कुछ बदल दोगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा कुछ। तो बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक जो चीज मैं कॉपी कर रहा हूं जिसको बोला जाएगा डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा, बस इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, बाकी जो भी हमने मूल तत्व तो उठाए हैं, फंडामेंटल आइडियाज ऑफ गवर्नेंस उठाए हैं अलग अलग संविधान के, उसमें किसी भी तरीके का प्लेगरिज्म डुप्लीकेशन नहीं है। फिर जो अगला इल्जाम आया है वो आया है अन इंडियन या एंटी इंडियन का। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों का बोलना था कि भैया हमारे पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को इस संविधान में इंक्लूड नहीं किया गया है, वी हैव नॉट फॉलोड अवर पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, हम अपने स्पिरिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, स्पिरिट ऑफ इंडिया की अगर आप बात करोगे तो स्पिरिट ऑफ इंडिया तो बहुत डाइवर्स है, कितने तरीके के कल्चर है, कितने तरीके के लैंग्वेजेस है, कितने तरीके के ट्रेडिशंस है, किस ट्रेडिशन को आप बोलोगे कि वो इंडिया का ट्रेडिशन है। यहाँ तो मुस्लिम्स भी राज करके गए हैं, यहाँ पहले हिंदू डायनेस्टीज का भी राज रहा है, इतने अलग अलग लीडर्स रहे हैं, किस ट्रेडिशन को आप इंडिया का ट्रेडिशन बोलोगे। इन लोगों ने बोला जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चल रही थी तो इन लोगों का ये बोलना था कि भैया इंडिया का जो संविधान का जो नेचर है वो फॉरेन नेचर है, जो ताकत हम पे 200 सालों से राज कर रही थी ब्रिटेन, जैसे वो राज कर रही थी हमने वैसे का वैसा उठा के चीजों को यहां रख दिया, और ये गलत है। बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला कि ये जो संविधान है ये फॉरेन नेचर का है और इंडियन सिचुएशन में चल नहीं आएगा, जबकि इसी सिचुएशन से 200 साल से आपके ब्रिटेन हम पे राज कर रहे थे। के हनुमंथैया करके एक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने क्या बोला, हमें तो वीणा और सितार का म्यूजिक चाहिए था, लेकिन आपने हमें क्या दिया, आपने हमें इंग्लिश बैंड का म्यूजिक दे दिया। कहने का मतलब है दोस्तों के हनुमंतैया जी का यहां पे कि पुराने समय में हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूजिक था वीणा सितार, इससे बताया गया हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज, और इंग्लिश बैंड से बताया गया अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका। लेकिन क्या सोचिए दोस्तों, यही अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका बहुत एफिशिएंटली आगे चल के इंडिया को एडमिनिस्टर कर पाएगा, नो डाउट। आज जो चीजें हैं, इनफैक्ट जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आईएएस IPS, IRS, ये कॉलोनियल सर्विसेज हैं, ये कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज हैं। कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज क्या थी दोस्तों, कि जब आप इनमें अपॉइंट होगे ना, आपको मैं बताता हूं, अगर मान लीजिए कल की डेट में आप IAS बन जाते हो, तब जब आप अपने IAS बनके अपने डिपार्टमेंट में काम करने पहुंचोगे, आपके सबॉर्डिनेट बहुत सारे वहां पे एम्प्लॉयज होंगे आपके,
और वो इंप्लॉयज कोई स्टेट पीसीएस से आया होगा, नीचे की पोस्ट से लगा होगा, धीरे धीरे प्रमोट करके ऊपर पहुंचा हो। वो सबऑर्डिनेट्स भले ही आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो पर कभी आपसे ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज से सेलेक्ट होके गए हो यूपीएससी के थ्रू। तो यूपीएससी यहां पे आप कह सकते हो एक तरीके से कोवेनेंटेड, कहीं एग्जाम में लिख मत देना इसको, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ब्रिटेन के टाइम पे क्या होती थी कि भाई इंग्लैंड से अपॉइंट होके आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स और उनको बोला जाता कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। नॉन कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में नीचे की जॉब दी जाती थी, तो क्लर्क की जॉब, टाइपिस्ट की जॉब। तो जो नॉन डिसीजन मेकिंग वाली पोस्टें थी वो नॉन कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज कहलाई थी, जिसमें इंडियंस को एम्प्लॉय किया जाता था शुरुआत में। तो ये चल रहा है। तो यहां पे ये बोला गया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के तरीकों को आपने उठाया ये तो अंग्रेजी म्यूजिक है, हमको तो भैया हिंदी म्यूजिक चाहिए, वीणा सितार। यानी पहले जिस तरीके से ट्रेडिशनली हमारे देश में राज होता था उस राज को आप वापस लेके आओ। क्या वो ट्रेडिशनल राज इस ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा एफिशिएंट था? बिल्कुल एफिशिएंट नहीं था दोस्तों, और उस चीज पे वापस जाने की जरूरत भी नहीं थी। ये जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था ये बेस्ट था, क्योंकि इसकी आदत भी पड़ चुकी थी और ये एफिशिएंट भी काफी था। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, लोकनाथ मिश्रा ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आप कह सकते हैं मेंबर थे। इन्होंने बोला कि भैया दिस इज अ स्लेविश इमिटेशन ऑफ वेस्ट, हमने सीधे सीधे वेस्ट का इमिटेशन किया है, हमने सीधे सीधे वेस्ट के तरीकों के सामने सरेंडर किया है। फिर एक लक्ष्मी नारायण साहू करके एक मेंबर थे, इन्होंने बोला भाई ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जो आइडियल्स हैं इसका फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया से कोई भी लेना देना नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आगे जाके टूट जाएगा, इंडिया के फ्रेमवर्क में काम नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों अब आप समझ ही सकते हैं कि जो अन इंडियन और एंटी इंडियन करने वाले जो बात है ये बिल्कुल गलत है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज जिस तरीके से काम कर रहा है इससे बात प्रूव होती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने जो कुछ भी किया हमारे लिए, इंडिया के लिए, वो वन ऑफ द बेस्ट था। हो सकता है शायद इससे कोई अल्टरनेट बेस्ट सिनेरियो बैठता, बट दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। आगे बात करते हैं एन अनगांधियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारा जो क्रिटिसाइज किया गया दोस्तों वो इस बात पे क्रिटिसाइज किया गया कि हमारे संविधान में हमारे महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। और खास बात यह है कि इस चीज पे पता है सबसे ज्यादा इल्जाम किस पे लगाया गया? सबसे ज्यादा इल्जाम लगाया गया बी आर अम्बेडकर जी पे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे के हनुमंत थैया, उन्होंने ये बोला कि महात्मा गांधी जी अगर बोलते ना तो महात्मा गांधी जी इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन कभी ना बनवाते। और टी प्रकाशम करके एक पर्सन थे, टी प्रकाशम इस पर्सन ने तो ये तक बोल दिया कि ये अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, ये अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन जबरदस्ती गांधीयन फिलॉसफी के अगेंस्ट बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गांधीयन मूवमेंट में बी आर अंबेडकर जी ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो टी प्रकाशम जी का बोलना था कि बी आर अंबेडकर जी का गांधी जी के साथ मनमुटाव था, गांधीयन आइडियाज के अगेंस्ट थे, इसलिए इन्होंने संविधान भी ऐसा बनाया जिसमें गांधी जी के आइडियाज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। हालांकि ये बात गलत है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में उन सारे आइडियाज को इनकॉर्पोरेट किया था हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कि गांधी जी के थे। वो जब डीपीएसपी पहुंचेंगे तब देखेंगे दोस्तों। ओके, तो शुरू शुरू में अच्छा एक चीज और बोली गई कि भाई पंचायत को एकोमोडेट नहीं किया गया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को अपडेट नहीं किया गया। देखा जाएगा आप इन द मीन कोर्स ऑफ टाइम जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएंगे तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा। फिर आगे बात की गई कि भैया हमारा संविधान बड़ा बहुत है, एलिफेंटाइन साइज है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बल्की है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी एलिमेंट्स है इसमें। सर आइवर जेनिंग्स थे, सर आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इनका यह बोलना है कि भैया संविधान में हद से ज्यादा प्रोविजंस लिखे गए हैं, उन प्रोविजंस को सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि जो लैंग्वेज है वो लीगल है नेचर में। तो ये इनका बोलना था। बहुत सारे और भी लोग थे दोस्तों, जैसे कि एच वी कामत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एम्बलम है और जो क्रेस्ट है इसका, इस पे हाथी बना हुआ। ये एम्बलम और क्रेस्ट मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया है, और ये हाथी पता है किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये एच वी कामत जी ने कहा था, ये हाथी डिनोट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इतने बड़े साइज के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शायद दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा बल्कि है, इसलिए
एचवी कामत जी का कहना है कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इतने बड़े इतने एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एग्री नहीं करती, बट आप बाद में देखेंगे एग्री किया भी, कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल हुआ भी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े होने की सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये थी कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इलैबोरेटिव मैकेनिज्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस सबको मेंशन किया गया है दोस्तों, और उसी मेंशन करने की वजह है कि बाद में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास लेजिस्लेचर्स के पास ज्यादा दिमाग लगाने के लिए ज्यादा पॉलिटिक्स करने के लिए चीजें कम थी। आगे बात करेंगे, कहा जाता है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। देखिए ये कहा जा सकता है कि एक वैलिड आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है बहुत ज्यादा लीगल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक नॉर्मल आदमी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ के उसको आसानी से नहीं समझ सकता। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत को अगर आप पढ़ोगे दोस्तों तो वो सिंप्लीफाई करके लिख रखी है, तब भी वो लोगों को समझ में नहीं आती है बहुत केसेस में, जबकि बहुत सिंप्लीफाइड है। अभी अगर आप बेयर एक्ट या इंडियन कानून की वेबसाइट पे जाके अगर आर्टिकल्स को पढ़ोगे ना सीधे सीधे आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि बहुत लीगल लैंग्वेज है। तो ये कहा जाया, सर आइवर जोनिक्स ने बोला ऐसा लॉयर्स पैराडाइज, तो ये भी याद रखिएगा कि भाई किसने क्या बोला है। तो सर आइवर जोनिक्स जो कि भाई एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उसने बोला इस कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स पैराडाइज। ठीक है, फिर भाई एच के महेश्वरी करके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इन एच के महेश्वरी ने क्या बोला, आई होप आप किताब सामने रखे और पढ़ रहे हैं। देखिए एच के महेश्वरी जी ने बोला कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है ठीक है वो कुछ इस तरीके की है कि बहुत सारे लिटिगेशंस आगे उठ सकते हैं, उस लिटिगेशंस के चलते हो सकता है लोगों को कोर्ट में ज्यादा जाना पड़े, और लोगों को कोर्ट में ज्यादा जाना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे लॉयर्स को बहुत सारा काम मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है कि लोगों को जल्दी इंसाफ ना मिले, जिसके चलते हम ट्रुथ और नॉन वायलेंस के सिद्धांत को शायद ना फॉलो कर पाए। उस समय की डिबेट्स में इतना तक भी बोल दिया जाता था दोस्तों। ठीक है, और ये भी बोला गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज इतनी लीगल है, इतने ज्यादा इलेबोरेट प्रोविजंस हैं कि भाई लिटिगेशन के एवेन्यूज बहुत ज्यादा होंगे और हो सकता है कि इससे लॉयर्स की कमाई भी बहुत। तो ये भी उठा कि भाई लॉयर्स ने इसको इतना लीगल इसलिए बनाया है ताकि आगे आने वाली डेट में लॉयर्स की कमाई भी बहुत हो। बहुत ऐसे तरीके के लिटिगेशन उठे थे उस समय पे दोस्तों। फिर पी आर देशमुख थे एक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, इन्होंने क्या बोला, आई वुड हाउएवर लाइक टू से दैट द ड्राफ्ट ऑफ द आर्टिकल्स दैट हैव बीन ब्रॉट बिफोर द हाउस बाय डॉक्टर अम्बेडकर सीम्स टू माई माइंड टू बी फार टू पॉन्डरस लाइक द पॉन्डरस टर्म्स ऑफ लॉ मैनुअल। यहां पे भाई पॉन्डरस का मतलब क्या होता है, पॉन्डरस का मतलब है डल, लेजी, बहुत बोरिंग, बहुत बड़ा। ठीक है, तो जैसे एक लॉ मैनुअल बहुत बड़ी होती है, बहुत बोरिंग होती है, सबको समझ में जल्दी आती नहीं है, नॉर्मल आदमी की पहुंच के और समझ के बाहर होती है, उस तरीके से कुछ हमारा संविधान है। तो ये सब बातें बोली गई दोस्तों। ठीक है, फिर आगे देखेंगे डॉक्यूमेंट, अच्छा ये पी आर देशमुख जी के ही वर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन हार्डली यूजेस सो मच ऑफ पैडिंग एंड सो मच ऑफ वर्बीएज, परहैप्स इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू कंपोज अ डॉक्यूमेंट व्हिच शुड बी टू माय माइंड नॉट अ लॉ मैनुअल बट अ सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, अ वाइब्रेटिंग पल्सेटिंग एंड लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट, बट टू आवर मिसफॉर्च्यून दैट वॉज नॉट टू बी एंड वी हैव बीन बर्डन विद सो मच ऑफ वर्ड्स वर्ड्स एंड वर्ड्स विच कुड हैव बीन वेरी इजिली एलिमिनेटेड। और क्या बोला गया कि भाई हमें इस तरीके के एक डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी जिसमें इतने ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, खासकर इतने ज्यादा मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसकी बजाय हमको एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत हो जो कि एक लॉ मैनुअल ना हो, जिसमें लीगल लैंग्वेज कम हो, वो सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ज्यादा हो, उसमें एक ऐसी भाषा हो जिसको पढ़ते ही लोगों के अंदर एक उत्साह आ जाए, एक एनर्जी आ जाए, एक लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट बन जाए वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, हमको जो डॉक्यूमेंट मिला है उसमें शब्द हैं और शब्द हैं, इन शब्दों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, इनको आराम से एलिमिनेट किया जा सकता था, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इसमें इतने ज्यादा शब्दों को जोड़ा है। ये बात कही थी पी आर देशमुख जी ने। खैर इन बातों को उतना डिटेल में आपको देखने की दोस्तों जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये तो व्यू पॉइंट थे लोगों के। ठीक है, और हम व्यू पॉइंट्स को ना माने, हमें तो बस समझना है कि भाई क्या चीज है। तो यहां पर क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर कहीं पे बात आए तो इस तरीके से आप क्रिटिसिज्म, अच्छा
सॉरी क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आए तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स, और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।